बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुशर फातिमा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फिजिक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सहिवा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स। और उसके टॉपिक्स जो हमने पढ़ने हैं वो 9.10 और 9.11 है। 9.10 डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग और 9.11 डायफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू क्रिस्टल्स। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ राय मालूमात। व्हाट इज डिफ्रेक्शन? डिफ्रेक्शन क्या है? इसका आंसर है द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। लाइट जो है वो ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट पाथ, लेकिन जैसे वो किसी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करती है वो अपना पाथ जो है चेंज कर लेती है, बेंड हो जाती है अराउंड द ऑब्स्टेकल। तो प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज नेसेसरी फॉर डिफ्रेक्शन? डिफ्रेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं? इसका आंसर है डिफ्रेक्शन इज फाउंड टू बी प्रोमिनेंट व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज लार्ज एज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर ऑफ द स्लिट। डिफ्रेक्शन इज फाउंड टू बी प्रोमिनेंट when the wavelength of light is large as compared with the size of the obstacle or aperture of the slit। बेहतर होगी जब wavelength जो है, जो हम light use कर रहे हैं उसकी wavelength large होगी as compared to the size of the obstacle। obstacle का size क्या है या aperture of the slit, slit का size width कितनी है, जितनी ज़्यादा width होगी उससे ज़्यादा wavelength होनी चाहिए तो फिर डिफ्रेक्शन जो है वो ज़्यादा पॉसिबल होगी। तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग जो है वो क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन आप करोगे। अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज अ ग्लास प्लेट हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल इक्वी डिस्टेंस स्लिट्स मैकेनिकली रोल्ड ऑन इट। अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज अ ग्लास प्लेट हैविंग a large number of close parallel equidistant slits mechanically rolled on it। कि हमारे पास एक ग्लास की प्लेट है जिसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस हमने रोल्ड किए हैं, मैकेनिकली रोल्ड किए हैं, और वो पैरेलल हैं स्क्रैचेस और इक्विडिस्टेंस है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्रेक्शन। अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज अ ग्लास प्लेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल इक्विडिस्टेंस स्लिट्स मैकेनिकली रोल्ड ऑन इट। अब स्लिट्स क्या होती हैं इनको देखिए, व्हाट आर स्लिट्स? तो स्लिट्स क्या हैं, तो द ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग बिटवीन द स्क्रैचेस ऑन द ग्लास प्लेट एक्ट एज स्लिट्स। द ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग बिटवीन द स्क्रैचेस ऑन द ग्लास प्लेट एक्ट एज स्लिट्स, यानी हमने जो ग्लास प्लेट के ऊपर स्क्रैचेस लिए हैं उनके बिटवीन जो हर स्क्रैच के बिटवीन का डिस्टेंस होगा या स्पेसिंग होगी उसको हम कहेंगे स्लिट। तो वो एज अ स्लिट हम उसे डील करेंगे। अ टिपिकल डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग हैज अबाउट 400 to 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। 400 से लेके 5000 तक लाइंस जो हैं एक सेंटीमीटर पे हम रोल कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स इज डी कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स इज डी कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। कि ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है, दो एडजेसेंट स्लिट्स हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहेंगे। द वैल्यू ऑफ डी इज ऑब्टेन, यानी ग्रेटिंग एलिमेंट की जो वैल्यू है वो हम कैसे ले लेंगे। The value of d is obtained by dividing the length of the grating by the total number of lines rolled on it। यानी जो grating element है वो हम कैसे find करेंगे। Grating element मैंने आपको पहले बताया कि distance between two adjacent slits, उसको हम grating element कहते हैं। तो हम कैसे find करेंगे, total length जो है diffraction grating की length को अगर हम उसके number of lines से divide कर दें तो grating element की value हमें मिल जाएगी। द सेक्शन ऑफ द वेवफॉर्म दैट पास थ्रू द स्लिट्स बिहेव एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट
अकॉर्डिंग टू दी हाइगंस प्रिंसिपल, ये डेफ्रेक्शन रेटिंग। और इसके ऊपर नंबर ऑफ लाइंस, जो स्क्रैचेस या लाइंस हमने रोल्ड किए हुए हैं, ये थे। अब यहाँ सिर्फ जो है वो 7 स्लिट्स दिखाई देंगे कि हमने जो लिया है ये एक स्लिट 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ लाइंस हैं और हर लाइन में से रे ऑफ लाइट पास कर रही है, लेकिन यहाँ पे हम ओनली 7 रे ऑफ लाइट जो है वो लेंगे। स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ देखें तो ये जो है हमारे पास ये डिस्टेंस डी बिटवीन द टू एडजस्टेंट स्लिट, एक स्लिट ये है दूसरी स्लिट ये है, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हमने डी कह दिया। और ये है ग्रेटिंग एलिमेंट, इसमें से जो स्लिट 1 है इसमें से रे 1 पास कर रही है, 2 में से 2 रे पास कर रही है, और स्लिट 3 में से रे 3, और इसी तरह 7 हमने रेंज ले ली है। और ये हमने कन्वेक्स लेंस रख दिया ताकि एक ही पॉइंट पर लाइट को गैदर कर सकें, और ये पॉइंट पी पर जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है ये इंटरफेयर होकर पॉइंट पी पे हमें मिलेंगी, जिससे ब्राइट और डार्क यहाँ पे हमें जो है वो इमेजेस मिलेंगे। तो इन फिगर कंसीडर द पैरेलल रेज विच आफ्टर डिफ्रैक्शन थ्रू द ग्रेटिंग मेक एन एंगल थीटा विद ए बी द नॉर्मल टू द ग्रेटिंग, दे आर देन ब्रॉट टू फोकस ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट पी बाय अ कन्वेक्स लेंस। इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2 इज 1 वेवलेंथ देन दे विल रीइंफोर्स ईच अदर एट पॉइंट पी, ये नीचे ये वाली रे 1 और ये रे 2, ये रे 1 यहाँ से निकली और इसी तरह ये रे 2 स्लिट 2 में से गुजर रही है। अगर ये दोनों एक का पाथ डिफरेंस जो है, ये पाथ डिफरेंस क्या हुआ कि इस वाली रे ने इतना डिस्टेंस कवर किया और जो ये रे है ये यहाँ से यहाँ आ रही है, तो मतलब हुआ कि इसने ए से बी तक का डिस्टेंस जो है ये ए से बी तक का डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया। और ये अगर एक्स्ट्रा कवर डिस्टेंस जो है इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस, ये 1 वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही है और मीट हो रही है एट पॉइंट पी पर, मिल रही है एट पॉइंट पी पर, दे रीइंफोर्स ईच अदर एट पॉइंट पी। और इस तरह क्या होगा, इस तरह जब ये पॉइंट पी पे एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे दे विल देयरफॉर इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली द रेस फ्रॉम एनी टू कंसेक्टिव स्लिट्स will differ in path by wavelength lambda when they arrive at P because incident beam consists of parallel rays, ये parallel rays थी और जब ये आ रही है तो ये एक दूसरे के साथ path difference lambda से एक दूसरे के साथ ये मिलेंगी, और जब इनका path difference lambda होगा तो they will therefore interfere constructively. The condition for the constructive interference is that AB, the path difference between the two consecutive rays, should be equal to wavelength lambda. कि जब दो वेव आपस में मिलेंगी इस तरह रीइंफोर्स करें कि उनका पाथ डिफरेंस 1 वेवलेंथ हो, तो उस वक्त वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट AB, यानी द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव रेज शुड बी इक्वल टू लैम्डा, that is AB is equal to lambda. From figure जो भी पीछे मैंने आपको explain की AB is equal to d sin theta, अगर हम AB को calculate करना चाहें तो AB किस तरह calculate होगा, AB sin theta is equal to perpendicular और hypotenuse, तो perpendicular है हमारे पास AB और hypotenuse जो है वो d है जो कि distance between the two slits है और इसको हम कहते हैं grating element, तो फिर ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, वेयर डी बीइंग द ग्रेटिंग एलिमेंट। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इन द इक्वेशन 1 वी गेट डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज along the direction of normal to the grating, the path difference between the rays coming out from the slits of the grating will be 0 along the north direction of the normal to the grating pass karenge, to us hum dono rays mein path difference jo hoga wo kya hoga 0 hoga,
सो वी विल गेट अ ब्राइट इमेज इन दिस डायरेक्शन, तो फिर इस तरह पॉइंट पी पर ब्राइट इमेज मिलेगा। दिस इज नोन एज जीरो ऑर्डर इमेज फॉर्म बाय द ग्रेटिंग, जैसे पहले बताया मैंने कि रे वन और रे टू जब ये पैरेलल है और स्ट्रेट पाथ कर ली है और ये सीधा स्ट्राइक करें, तो अगर जब उनमें एंगल थीटा जो है वो जीरो हो तो फिर क्या होगा, उस वक्त उनमें पास डिफरेंस जीरो आ जाएगा और वो पॉइंट पी पर कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी और इस तरह वहाँ पे हमें ब्राइट इमेज मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे जीरो ऑर्डर इमेज फॉर्म बाय द ग्रेटिंग। इफ वी इंक्रीज थीटा ऑन आइदर साइड ऑफ दिस डायरेक्शन, यानी जो कि डायरेक्शन हमने दी है नॉर्मल टू दी ग्रेटिंग, अगर हम थीटा को बढ़ाएं दोनों तरफ इसके, अ वैल्यू ऑफ थीटा विल बी अराइव एट विच डी साइन थीटा विल बिकम लैम्डा एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थ्री वी विल अगेन गेट अ ब्राइट इमेज। कि हम अगर थीटा की वैल्यू को इस तरह इंक्रीज करें, जैसे थीटा हमने 90 कर दिया, तो थीटा की वैल्यू को हमने जब 90 कर दिया तो साइन 90 पे मैक्सिमम होता है यानी कि 1, तो उस वक्त हमारे पास जो डी आ जाएगा ये किसके इक्वल आएगा, हमें वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल मिलेगी। इफ़ वी इंक्रीज थीटा ऑन अदर साइड ऑफ दिस डायरेक्शन अ वैल्यू ऑफ थीटा विल बी अराइव एट विच डी साइन थीटा विल बिकम लैम्डा एंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 3 वी विल अगेन गेट अ ब्राइट इमेज, दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर इमेज ऑफ द ग्रेटिंग। तो इस दो ब्राइट के बिटवीन एक डार्क इमेज हमें मिलेगी। इफ वी कंटिन्यू इंक्रीजिंग थीटा वी विल गेट द सेकेंड थर्ड इमेज ऑन आइदर साइड ऑफ द जीरो ऑर्डर इमेज विद डार्क रीजन इन बिटवीन। तो जो हमने जीरो ऑर्डर दिया, जीरो ऑर्डर के अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इफ वी कंटिन्यू इंक्रीजिंग थीटा वी विल गेट द सेकेंड थर्ड इमेज ऑन आइदर साइड ऑफ द जीरो ऑर्डर इमेज विद डार्क रीजन इन बिटवीन। कि अगर हमने थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा, सेकेंड और थर्ड इमेजेस इसी तरह हमें मिलते रहेंगे और जो हमने जीरो ऑर्डर इमेज बना है इसके फर्स्ट ऑर्डर इमेज भी ब्राइट और जीरो ऑर्डर के दूसरी साइड पे भी ब्राइट इमेज हमें मिलेगी। इन दो ब्राइट के बिटवीन एक डार्क इमेज होगा विद डार्क रीजन इन बिटवीन। फर्स्ट सेकेंड ब्राइट इमेज डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा और इसी तरह और थर्ड ब्राइट इमेज डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। Thus, the equation 3 can be written in more general form as d sin theta is equal to n lambda. और ये equation number 4 है हमारी, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. Equation number 4 shows that the value of theta depends upon n. So, the image of different colors are much separated in higher order. मतलब क्या हुआ कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट के बजाय हम वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं, 7 कलर ऑफ लाइट अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें फिर क्या होंगे, डिफरेंट इमेजेस बनेंगे, कलर्ड इमेजेस होंगे। इक्वेशन नंबर 4 शोज दैट द वैल्यू ऑफ थीटा डिपेंड्स अपॉन एन, सो द इमेजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर मच सेपरेटेड इन हायर ऑर्डर। इफ द इंसिडेंट लाइट कंटेन्स डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब डिफरेंट कलर्स हों तो डिफरेंट कलर की हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, तो इसी तरह इफ द इंसिडेंट लाइट कंटेन्स डिफरेंट वेवलेंथ्स द इमेज ऑफ ईच वेवलेंथ फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एन इज डिफ्रैक्टेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो हर कलर जो है वो डिफ्रैक्ट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसका इमेज भी डिफरेंट ही होगा। इफ द इंसिडेंट लाइट कंटेन्स डिफरेंट वेवलेंथ the image of each wavelength for a certain value of n is diffracted in different direction, the separate images are obtained corresponding to each wavelength or color. तो फिर हर कलर और के अकॉर्डिंग या हर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट इमेजेस मिलेंगे। तो इसी को अगर हम कहें तो इक्वेशन 4 शोज दैट द वैल्यू ऑफ थीटा डिपेंड्स अपॉन एन, सो द इमेज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर मच सेपरेटेड इन हायर ऑर्डर। हमारे टॉपिक का दूसरा पार्ट जो था वो है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अगर हम ये पढ़ें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है, तो क्रिस्टल्स से डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज जो है ये डिफ्रैक्ट करती हैं सेम लाइट भी ऑर्डिनरी लाइट, बट
डायफ्रैक्ट फ्रॉम द क्रिस्टल्स, ठीक है, तो डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स। एक्सरेज इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर अबाउट 10^-10 मीटर। एक्सरेज इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ अबाउट 10^-10 मीटर। यानी एक्सरेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक टाइप है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी वेव लेंथ जो है वो शॉर्टर है और कितनी है 10^-10 मीटर। टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ डायफ्रैक्शन द ग्रेटिंग मस्ट बी ऑफ ऑर्डर ऑफ द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन यूज। डायफ्रैक्शन का फिनोमेना है तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले भी मैंने आपको कहा कि डायफ्रैक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कि मतलब जो हम वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज़ करेंगे वो स्लिट के साइज के इक्वल या ग्रेटर हो तो डायफ्रैक्शन जो होगी डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। अगर वेवलेंथ कम होगी तो डायफ्रैक्शन होगी नहीं, और अगर वेवलेंथ इक्वल होगी तो उस वक्त डायफ्रैक्शन होगी, लेकिन अगर वेवलेंथ ग्रेटर होगी देन द साइज ऑफ द स्लिट तो फिर प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ डायफ्रैक्शन जो है वो हमें मिलेंगे। द रेगुलर अरे ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल फॉर्म्स आर नेचुरल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद स्पेसिंग दैट इज टिपिकली नियरली इक्वल टू 10^-10 मीटर। रेगुलर अरे ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल फॉर्म्स आर नेचुरल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद स्पेसिंग दैट इज टिपिकली नियरली इक्वल टू 10^-10 मीटर। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है, तो जब जो अरेंजमेंट है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तो उनमें स्पेसिंग भी है एटम्स में, तो स्पेसिंग जो है वो नियरली इक्वल टू 10^-10 मीटर है, जो कि कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ दी एक्सरेज है। तो फिर डायफ्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है वो फिर हो गई कि कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ द लाइट टू दी साइज ऑफ द स्लिट। द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज फ्रॉम द एटम्स इन अ क्रिस्टलाइन लेटर्स गिव राइज टू डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स वेरी सिमिलर टू दोज ऑब्जर्व विद द विजिबल लाइट इंसिडेंट ऑन ऑर्डनरी ग्रेटिंग। जैसे रिजल्ट हमें ऑर्डनरी ग्रेटिंग के ऊपर विजिबल लाइट हम फॉल करके अचीव करते हैं, सेम वही रिजल्ट हमें एक्स रेज को जब हम उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर फॉल करते हैं, क्रिस्टलाइन लेटर्स पर फॉल करेंगे तो जो रिजल्ट हमें डायफ्रैक्शन के वहाँ से मिलेंगे वो सेम सिमिलर है टू दी विजिबल लाइट ऑन दी ऑर्डनरी ग्रेटिंग। The study of atomic structure of crystals by X-rays was initiated in 1914 by W.H. Begg and W.L. Begg. With remarkable achievements, they found that a monochromatic beam of X-ray was reflected from a crystal plane as if it acted like a mirror. जो क्रिस्टल प्लेन के ऊपर जब एक्सरेज को उन्होंने फॉल किया तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस आए जिस तरह अगर लाइट को हम मिरर के ऊपर फॉल करते हैं तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है उसी मीडियम में, तो इस तरह इसमें भी सेम ही रिजल्ट उसको हमको मिला। ये है हमारे पास क्रिस्टल लेटर्स। यहाँ क्रिस्टल में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, ये देखते हैं ये एटम की रेगुलर अरेंजमेंट है, ये इसी तरह ये और इसी तरह हमने इसके ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम के लिए इन अगर एटम्स को देखें तो इस और इस एटम में डिस्टेंस जो है वो सेम है, इसी तरह इधर और यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, तो क्रिस्टल में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है विथ कॉन्स्टेंट स्पेसिंग। तो यहाँ पे जो है वो पी और पी प्राइम में भी पहले वाली दूसरी पी वन और पी वन प्राइम और तीसरी जो हमने एटम्स की ली है वो पी टू और पी टू प्राइम। एक्सरेज जब इसके ऊपर फॉल की तो ये के वन जो है वो फर्स्ट जो ये वाली के वन है रे ऑफ एटम इसके ऊपर जब एक्सरेज फॉल की तो ये एक्सरेज यहाँ पे स्ट्राइक की और ये रिफ्लेक्ट होगी इस पार्ट से चले गई, रिफ्लेक्शन इसकी यहाँ से यहाँ होगी इसी तरह। और दूसरी रे ऑफ लाइट जो है ये इसने यहाँ से यूँ फॉल किया इसके ऊपर दूसरे एटम के ऊपर, लेकिन रे ऑफ एटम जो उसने फॉल किया लाइट को और ये रिफ्लेक्ट हो गए, तो ये दो रेज जो हैं ये एंगल थीटा पे, ये देखिए ये वाली जो रे है ये एंगल थीटा पे स्ट्राइक की, इसी तरह ये रे भी रिफ्लेक्शन भी इसकी एंगल थीटा पे है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम पाथ डिफरेंस इन दोनों पे देखें तो ये वन यहाँ से यहाँ तक और ये टू जो है
ये यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल है यहाँ तक। वे टू ने यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स्ट्रा पाथ कवर किया। इसी तरह अगर हम इसकी रिफ्लेक्शन देखें तो जो रे वन है ये रिफ्लेक्ट होकर जब गई है तो उस वक्त इसने यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्शन हुई, और जो रे टू है ये इसकी जब हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्ट होकर गई। अब रे वन और रे टू का इधर से हमने पाथ देखा तो ये इतना एक्स्ट्रा इसने कवर किया। इसी तरह अगर यहाँ से हम देखें जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होते रे वन का पाथ ये है और रे टू ने ये वाला पाथ कवर किया, तो इसने भी इतना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है। जो ये एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है इसको हम मेजर करते हैं, क्योंकि ये अगर एंगल थीटा है इसी तरह ये भी एंगल थीटा, तो इसने कितना कवर किया है पाथ, जी साइन थीटा। इसको आगे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट अ सीरीज ऑफ एटॉमिक प्लेन्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी पैरेलल टू अ क्रिस्टल फेस आर शोन बाय लाइन पी पी प्राइम पी वन प्राइम पी टू प्राइम एंड सो ऑन आर शोन। अब देखिए ये वाली जो स्पेसिंग है बिटवीन दी टू एटम्स, इसको हमने कह दिया ये है डी। तो जिस तरह स्लिट में डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स जो डिस्टेंस है इसको हमने ग्रेटिंग एलिमेंट कहा, तो ये भी यही है। ठीक हो गया। सपोज एन एक्सेस बीम इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन वन ऑफ द प्लेन्स, द बीम कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बोथ द अपर एंड द लोअर प्लेन्स ऑफ द एटम्स। ये जो रे है एक्सरे हमने इसके ऊपर फॉल की, इसकी जो एक बीम है ये एटम की एक प्लेन से होके जा रही है, और इसी तरह ये बीम जो है इसका एक पार्ट अपर से और एक लोअर से पास होके रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बोथ अपर एंड द लोअर प्लेन्स ऑफ द एटम्स। द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेन ट्रेवल सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर प्लेन। कि जो ये वाली बीम है ये बीम अपर प्लेन से जो गुजर गई है, और ये वाली बीम जो है ये लोअर प्लेन से जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसने यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा इधर से कवर किया, और इस तरह यहाँ से यहाँ तक इधर से एक्स्ट्रा कवर किया है पाथ। द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड बीम्स इज टू डी साइन थीटा। ये दोनों बीम जो दोनों रिफ्लेक्टेड बीम हैं इनमें जो डिस्टेंस है वो कितना है, टू डी साइन थीटा। वो कैसे, डी साइन थीटा ये और डी साइन थीटा ही ये, तो इसको हमने कह दिया टू डी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डी है। जैसे यहाँ से यहाँ तक डी है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो है वो डी है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस अगर हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये डिस्टेंस d इज इक्वल टू आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस जो है अगर इसको हम कोई नाम दे दें, कोई सा भी नाम दे दें, अगर इस डिस्टेंस को हम कोई सा भी नाम दे दें तो ये इक्वल होगा d साइन थीटा। तो d साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक और d साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल पाथ जिसने एक्स्ट्रा कवर किया वो 2d साइन थीटा होगा। देयरफॉर फॉर रीइंफोर्समेंट द पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, और इस पाथ को हमने इस तरह भी दिखा दिया मैंने आपको कि ये वाला अगर पॉइंट ए है, ये वाला जो एटम है इसको हमने ए कह दिया, तो ये बीम इसकी अपर सर्फेस से स्ट्राइक करके जा रही है पॉइंट ए पे। इसी तरह ये जो बीम सेकेंड है ये इस पॉइंट सी पे स्ट्राइक की और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बीम टू ने जो एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है वो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक इसने एक्स्ट्रा कवर किया बी सी, और इस तरह जब ये यहाँ से इधर जा रही है रिफ्लेक्ट हो रही है तो उस वक्त भी इसने बी प्राइम सी एक्स्ट्रा कवर किया है। तो इस पाथ को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, दस द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बी बी सी प्लस बी प्राइम सी, कितना एक्स्ट्रा कवर हुआ है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो बी सी प्लस बी प्राइम सी। तो पाथ डिफरेंस हमने कहा कि इक्वल टू है वेवलेंथ, जब रीइंफोर्समेंट होगी तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ,
एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 5 मिली हमें। दस द वैल्यू ऑफ एन रेफर टू एज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, वैल्यू ऑफ एन जो है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। इक्वेशन 5 इज नोन एज ब्रैग इक्वेशन, इट कैन बी यूज टू डिटर्मन इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द सिमिलर पैरेलल प्लेन्स ऑफ अ क्रिस्टल इफ एक्स रेज ऑफ नोन वेवलेंथ आर अलाउड टू डिफ्रैक्ट फ्रॉम द क्रिस्टल, कि हमने अगर इन प्लेन्स में डिस्टेंस फाइंड करना हो कि कितना है, तो हम इस ब्रैग इक्वेशन को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक्स रेज की वेवलेंथ पता होगी तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल यूज ऑफ एक्स रेज डिफ्रैक्शन, के एक्स रेज जो डिफ्रैक्ट होती है फ्रॉम द क्रिस्टल्स, इसके बायोलॉजिकल यूज़ क्या है। एक्सरेज डिफ्रैक्शन हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन डिटर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल सच एज हीमोग्लोबिन विच इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम जो है वो एक्सरेज डिफ्रैक्शन यूज़ करते हैं। एक्सरेज डिफ्रैक्शन हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन डिटर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल सच एज हीमोग्लोबिन विच इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन देती हूँ। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशंस क्या है वो लिखनी है आपने। व्हाट इज क्रिस्टल, क्रिस्टल को डिफाइन करना है। ड्राइव ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है डायग्राम ड्रॉ करके। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन हमें क्या बताता है। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।